Hello everyone. Now we are again here to discuss second type of problem, problems on age part 2. In last video we have discussed problem on age part 1, and in this video I am going to discuss the problems on age when ratio is given. जब भी हमें ages का अनुपात दिया होगा, present age और कुछ साल पहले या कुछ साल बाद की age का आयु का अनुपात दिया होगा, रेशियो दिया होगा, तब हम उन क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं वो डिस्कस करने जा रही हूँ. नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज गिवन एज द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ गीता एंड हर मदर इज 1:5. आफ्टर 7 ईयर्स द रेशियो बिकम्स 3:8. वॉट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ गीता एंड हर मदर. हमें दिया हुआ है कि गीता और उसकी माँ की एज का अनुपात 1:5 है, और 7 साल बाद ये रेशियो कितना हो जाएगा, 3:8 हो जाएगा. तो हमें बताना है कि उनकी वर्तमान आयु प्रेजेंट एज कितनी है, गीता और उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी है. तो लेट सी द सॉल्यूशन. मदर्स एज वी हैव रिटन हियर मदर नॉट गीता. गीता एंड हर मदर जो भी डिनोमिनेटर में होगा, जो भी बाद में होगा, हम पहले उसी की एज कैलकुलेट करेंगे. अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैंने यही बात बताई थी कि अगर किसी एक पर्सन की एज दूसरी पर्सन की एज की टर्म्स में दी हुई है तो हम सबसे पहले बाद वाले पर्सन की एज को कैलकुलेट करते हैं. तो मदर्स एज इज इक्वल्स टू 5 × 7, 8 − 3 / 15 − 8. मैं आपको बता देती हूँ ये 5 कौन सा है. 1:5 में जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा होगा उसे हम हमेशा यहाँ लिखेंगे इंटू 7. जितने भी साल बाद या जितने साल पहले की बात की जा रही होगी वो ईयर्स हम यहाँ लिखेंगे. 3:8 जो बाद का न्यू रेशियो होगा उसका डिफरेंस हम यहाँ लिखेंगे 8 − 3 / ये 15 − 8 कैसे आया. ये 1:5 और 3:8 इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 3 × 5 दैट इज 15 और 8 × 1 दैट इज 8. 5 × 7 × 5/7, 7 से 7 कैंसिल और 25 ईयर्स. ये किसकी एज आई है, मदर्स एज इज 25 ईयर्स. जो गीता की माँ की एज है वो 25 ईयर्स है. और अब हम गीता की एज कैलकुलेट कर सकते हैं. गीताज एज इज इक्वल्स टू 25 × 1/5 दैट इज 5 ईयर्स. नाउ लेट अस डिस्कस सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ सच टाइप. द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ A and B is 3:11. After 3 years, the ratio becomes 1:3. What are the ages of A and B? यहाँ भी वही वाली बात है कि A और B की एज का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:11 दिया हुआ है, और 3 साल बाद ये रेशियो कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा. तो हमें उनकी क्या प्रेजेंट एज बतानी है, A एंड B की एज बतानी है प्रेजेंट में, वर्तमान में उनकी आयु कितनी होगी. तो हम सबसे पहले किसकी एज कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम बी की एज कैलकुलेट करेंगे. एज ऑफ बी इज इक्वल्स टू 11. 11 मतलब 3:11 में जो बाद में लिखा हुआ है, जो डिनोमिनेटर में है उसको हम यहाँ लिखेंगे 11 × 3. कितने साल बाद की बात की जा रही है, 3 साल बाद की. तो 3 × 3 − 1 जो नया वाला रेशियो है हमें उसका डिफरेंस लिखना है, अपॉन 11 − 9. 11 − 9, 11 क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट यानी वज्रगुणन, या फिर या के ये कह सकते हैं आमने सामने की गुना. 11 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, माइनस 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9. ऑन सॉल्विंग वी विल गेट 33 ईयर्स. एज ऑफ बी इज इक्वल्स टू 33 ईयर्स. एज ऑफ ए इज इक्वल्स टू 33 × 3/11. 33 यानी ये वाली एज और 3/11 जो गिवन रेशियो है. ऑन सॉल्विंग वी विल गेट 9 ईयर्स. तो इस तरीके से हमने ए की एज बताई 9 साल और बी की एज बताई 33 ईयर्स, 33 साल. नाउ लेट अस डिस्कस द फॉर्मूला. इस क्वेश्चन को करने में हमने फॉर्मूला क्या यूज किया है, जो कि आप हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं. अब हम उस फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे. हियर इज द फॉर्मूला. अगर हमें प्रेजेंट रेशियो दिया हुआ है 3:11, सॉरी x रेशियो y,
और हमें दिया हुआ है टी ईयर्स। टी ईयर्स मतलब इतने साल बाद, टी साल बाद या टी साल पहले की रेशियो दिया हुआ है, एज का रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो बी। अगर साल के साथ जो रेशियो दिया हुआ है वो ए रेशियो बी है, और जो प्रेजेंट रेशियो है, ध्यान रखना प्रेजेंट रेशियो एक्स रेशियो वाई है, तो हमें एज निकालनी है। ये एज किसकी आएगी, ध्यान रखना एक्स रेशियो वाई। जैसे कि यहाँ पर अगर वाई लिखा हुआ है तो जो भी जिसका भी नाम बाद में लिखा हुआ है उसी की एज निकलेगी। अगर आप यहाँ पर एक्स की एज निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ एक्स लिखना होगा, बस इतना ही चेंज आएगा। एज इज इक्वल्स टू वाई इंटू टी। टी मतलब ये वाले ईयर्स, ए माइनस बी मतलब न्यू वाले रेशियो का डिफरेंस, अपॉन डिफरेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज। ये जो रेशियो दिए हुए हैं ना, एक्स रेशियो वाई ए रेशियो बी, हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस लिखना है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वज्र गुणन, मतलब कि आमने सामने की गुना, मतलब क्या बोलते हैं ना कैंची वाली गुना, इसकी इधर और इसकी इधर। एक्स रेशियो वाई ए रेशियो बी, एक्स की बी के साथ मल्टीप्लाई और ए की वाई के साथ मल्टीप्लाई करके आपको डिफरेंस लिखना है। एक बात ध्यान करनी है कि जो भी बड़ा होगा उसको पहले लिखना है, आपको माइनस साइन को इग्नोर करके चलना है। वी जस्ट फोकस ऑन द नंबर्स नॉट साइंस, ठीक है? तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। अब हम इसी फॉर्मूले को यूज करके एक दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। द एज ऑफ अ मैन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 15 ईयर्स एगो द मैन वॉज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। वॉट विल बी द एज ऑफ द मैन आफ्टर 15 ईयर्स। एक आदमी की एज उसके बेटे की एज की 3 गुनी है। देखो यहाँ पे रेशियो नहीं दिया हुआ, यहाँ पर 3 टाइम्स दिया हुआ है। यानी ये कह सकते हैं कि मैन की एज सन की एज की टर्म्स में दे रखी है, तो ये बिल्कुल रेशियो जैसा ही है। और 15 ईयर्स एगो, 15 साल बाद, वही आदमी अपने बेटे की आयु का 9 टाइम्स 9 गुना हो जाएगा। सॉरी, 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले वो आदमी अपने सन अपने बेटे की एज का 9 गुना था। तो यहाँ गुना टाइम्स की फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ आपको रेशियो नहीं दिया हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन को हम सेम टू सेम बिल्कुल उसी मेथड से कर सकते हैं। तो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। किसकी एज निकालेंगे बताइए, पहले मैन की या फिर सन की? आदमी की एज उसकी बेटे की टर्म्स में दे रखी है, तो ध्यान करना है कि हमें पहले किसकी एज निकालनी है, सन की एज निकालनी है। ओके, तो सन्स एज इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या लिखेंगे बताइए? यहाँ पर हम लिखेंगे वाई। व्हाट इज वाई? 1x रेशियो वाई, 3 रेशियो 1। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 इंटू 15 माइनस, क्या लिखना है यहाँ पर, नया वाला रेशियो 9 टाइम्स एज ऑल्ड एज ए सन। न्यू रेशियो कितना है, 9 रेशियो 1। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 9 माइनस 1 अपॉन, यहाँ कितना लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे। देखो अगर ये 3 रेशियो 1 है और ये 9 रेशियो 1 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, 9 माइनस 3। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये रेशियो ना होता तो हम डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन में 9 माइनस 3 कर देंगे बस। इज इक्वल्स टू 15 इंटू 8 अपॉन 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20 ईयर्स। तो बेटे की एज कितनी है, 20 ईयर्स। अब आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि उस आदमी की एज कितनी आएगी, मैंस एज इज इक्वल्स टू, कितना रेशियो दिया हुआ है, देखो आदमी अपने बेटे की एज का कितना गुना है, 3 टाइम्स, तो वो कितने साल का आएगा, 60 साल का आएगा। ओके, अब इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द एज ऑफ द फादर्स 5 ईयर्स एगो वॉज 5 टाइम्स द सन एज। एट प्रेजेंट द फादर एज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। वॉट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर? पिता की एज 5 साल पहले बेटे की एज की 5 टाइम्स थी। और प्रेजेंट में फादर की एज पिता की आयु बेटे की एज की कितनी है, 3 गुनी है। तो अब आप क्या कर सकते हैं जल्दी जल्दी, किसकी एज निकालनी है, सन की एज निकालनी है। सन एज इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना लिखेंगे, 1 इंटू, यहाँ कितना लिखेंगे, कितने साल पहले की बात की जा रही है, 5 साल पहले की बात की जा रही है। कितने गुना था 5 साल पहले,
पांच गुना था, ओके okay? तो 5 माइनस 1 अपॉन, और यहाँ क्या लिखना है, क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर लिख सकते हैं 5 माइनस 3, डायरेक्टली लिख देते हैं, 5 इंटू 5 माइनस 1 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, दैट इज 10 साल, 10 ईयर्स। तो यहाँ से अब फादर की एज डायरेक्टली आप बता सकते हो, फादर्स एज इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना गुना है बताइए, 3 गुना है, तो 10 इंटू 3 यानी कि 30 साल। ओके तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको ट्रिक समझ में आई होगी, और अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके इस क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।